हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बीच बीच में ना सबके काम मंदे रहते हैं, मतलब बीच बीच में सीजन के हिसाब से काम चलता है, फिर कभी मंदा हो जाता है, फिर चलता है, फिर मंदा हो जाता है। जब भी किसी से पूछो भैया काम कैसे चलता है, यार काम मंदा चल रहा है यार, कैसे दुकान के खर्चे पूरे करें, कैसे काम करें, कैसे घर के खर्चे निकाले, बंदा परेशान रहता है। चाहे उसमें मैं भी क्यों ना हूँ, मैं कोई रजवाड़ा या करोड़पति नहीं हूँ, मैं भी कई बार ऐसे टेंशन में आता हूँ, लेकिन मैं कुछ ना उस टेंशन को लेने की बजाय उस अपने माइंड को ना कन्वर्ट कर देता हूँ, सोचता हूँ कि यार काम को अपने ऐसे कैसे करूँ कि उसमें मंदा ही ना रहे, या कुछ ना कुछ चलता रहे। मानो बारिश हो रही है पूरा दिन, काम खत्म हो जाएगा आपका। आंधी तूफान है, बिजली गई तो काम खत्म, तूफान से भी काम खत्म हो जाते हैं, बारिश आती है तो काम खत्म, या और भी बतेरी चीज़ों से, ज़्यादा गर्मी जैसे पड़ती है, धूप होती है तो भी काम आपका मंदा हो जाता है, उसमें बड़ी दिक्कत होती है। फिर बंदा अपने खर्चे कैसे निकाल लेगा, अपनी दुकान के खर्चे कैसे पूरे करेगा, अपने डेली रूटीन कैसे पूरी मतलब चलाएगा कि उसे दिक्कत ना पड़े किसी भी तरीके की। तो इस बारे में आज एक बढ़िया सी वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको इस परेशानी से बहुत राहत मिलेगी, आपको टेंशन नहीं रहेगी कि यार मैं किराया कैसे निकाल लूँ, मैं ये कैसे करूँ, मैं वो कैसे करूँ। बस मेरी वीडियो का एंड तक देखते रहें और बने रहें मेरे साथ। तो दोस्तों, आज की ही तारीख ले लो, आज की डेट ले लो, आज देखो सुबह से बारिश हो रही है, काम बिल्कुल बंद पड़ा है। देखो सुबह से बारिश चल रही है, लगभग लगभग रात में शुरू हो गई थी और बारिश चल रही है और काम मेरा बंद हो गया। अब बंद, मैं खुद सोचता हूँ कि काम कैसे बढ़ाऊँ, अब बंद नहीं हुआ, मेरी कोई स्टेशनरी का आइटम नहीं बिकी सुबह से और काम बिल्कुल ऐसा पड़ा स्लम। अब वो स्लम नहीं पड़ा, मैं आपको बताता हूँ कि अब ये काम मेरा जो है बिल्कुल मंदा स्टेशनरी का मंदा हो गया। कहने का मतलब दुकान का काम सही है बारिश में भी मेरा, लेकिन स्टेशनरी का मंदा हो गया। कोई आइटम मेरी बिकी नहीं सुबह से एक रुपए की भी, लेकिन सेल मेरी दोपहर तक अच्छी हो गई है। आप भी कहोगे यार ये कैसे, दुकान पे इसकी स्टेशनरी की दुकान है, इसमें बिकी एक भी कॉपी नहीं, एक भी पेन नहीं बिका और ये कह रहा मतलब मंदा मेरा बहुत ज्यादा है। तो भाई मैं बताता हूँ, देखो आपको ना हर चीज का एक तरीका होता है काम करने का, वो मैं बता। तो दोस्तों, जैसे बारिश है, कहने का मतलब ये है कि आपको सीजन के तरीके से अपना काम करना पड़ेगा, सीजन बाय सीजन। वो सीजन बाय सीजन है क्या, वो काम क्या है सीजन बाय सीजन, वो बता देता हूँ। जैसे धूप है, जब धूप ज़्यादा होती है ना दोपहर को, तो आजकल क्या है लेडीज जो है छाता लेके निकलती है लगभग लगभग, क्योंकि वो कोई एक्टिवा भी होती है कोई पैदल, वो छाता ही लेके निकलते हैं, उसकी डिक्की में आपको छाता मिलेगा ही मिलेगा। तो धूप में और बारिश में छाता ने बिकना ही बिकना है। आज सुबह से मैंने अपनी दुकान पे ज़्यादा नहीं करता, देखो ये छाते भरे पड़े थे, यहाँ पे सिर्फ चार छाते रह गए, ये वाले जो रेगुलर चलते हैं, सिर्फ चार छाते। मैं कम से 10 छाते बेच चुका हूँ और एक छाते में मरे से मरे मैं 50 रुपये कमा लेता हूँ, मतलब 500 रुपये की इनकम मेरी खड़ी होगी, इनकम ठीक है, सेल तो मेरी अच्छी होगी। प्लस उसके अलावा जो छाते ले गए हैं वो रेनकोट भी मेरे बिक गए हैं, देखो रेनकोट टंगे हुए, ये मैंने बाहर टांग रखा है, क्योंकि आपको पता मैंने बता रखा है आपको सामान दिखाना बहुत जरूरी है, डिस्प्ले बहुत जरूरी होता है हर सामान में, सामान दिखेगा तो बिकेगा। अगर मैं इसे अंदर रख लूँगा ना रेनकोट को तो नहीं बिकेगा, छाते भी नहीं बिकेंगे, सब सामान मैंने टांग रखा है। तो मेरे छाते आज सुबह से अच्छे बिके हैं, मैंने दुकान अपनी लेट खोली है थोड़ी, लेकिन सेल अच्छी हुई है, मुझे आज पूरे दिन की टेंशन नहीं है। अब रात को जो बच्चे आएंगे ट्यूशन वाले, जो शाम को आएंगे वो सामान लेंगे, तो स्कूल वाले बच्चे तो निकल चुके, स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, सब अपने घर जा चुके हैं, लेकिन बारिश में मेरी सुबह खुलते ही जो भी बंदा आया, भैया छाता दे दो, छाता दे दो, छाता दे दो, क्योंकि आपको पता है हर कोई बंदा ना एडवांस में कोई चीज़ लेकर रखता है, एट ए टाइम ही लेकर लेता है चीज़ को जब जरूरत पड़ती है। आपको पता छाता, जब धूप बहुत तेज होती है ना तो छाता तब भी बहुत बिकेगा, और जब बारिश आए तो छाता बहुत बिकेगा, रेनकोट बहुत बिकेंगे। अब इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, रेनकोट जैसे आप लेते हो ना, और छाता आपको बता दूँ आपने लेना कौन सा है, छाता ना डबल फोल्ड वाले आते हैं ये, ये सिंगल फोल्ड वाले, छाता सॉरी सिंगल फोल्ड वाले, ये छाता सबसे ज़्यादा चलता है, देखो बटन वाला छाता होता है सबसे ज़्यादा, ये छाता चलता है, इसकी पूरी पेटी ले लो, ये बहुत बिकता है। एक आता है ये स्कूल बैग में बच्चों के रखने के लिए, ये डबल फोल्ड वाला, थ्री फोल्ड कहते थे, ये छाता आता है, ये बहुत बिकता है। और बाकी ये तो हो गए बुजुर्गों वाले छाते, ये वाले ये पता ही है, ये भी चलता है, इसमें 12 तार और 6 तार आते हैं, बड़े वाले छाते सिंपल वाला होता है, इसमें 12 तार चलता है, 6 तार कम चलता है, दोनों में 10 रुपये का फ़र्क है। तो सीजन बाय सीजन करने का मतलब है, जैसे अब ये चीज़ हो गई बारिश आया तो बारिश में आपने छाते बेच दिए, ठीक है, और रेनकोट वगैरह बहुत बिकेंगे, एक रेनकोट में मरे से मरे छाते में तो 50 रुपये बची जाते हैं, 70 भी 80 भी बच जाते हैं। और रेनकोट में है ना, देखो मैं रेनकोट में भी आपको दिखा देता हूँ, एक रेनकोट तो ये होता बड़ों का, ये वाला, और रेनकोट जैसे है ना ये दिखाता हूँ, जैसे बड़ों का रेनकोट है, ये आता है छोटे बच्चों का, ये इसमें छोटे बच्चे के, जो बड़े बच्चे भी होते हैं वो पहन लेंगे, पजामा नहीं होता, ये स्कूल बैग भी कवर कर देगा, ये वाला रेनकोट, ये बिकते हैं और बड़े वाले बिकते हैं। तो रेनकोट छाते ये बिकते रहेंगे, क्या एक महीने का सीजन है, इसमें बारिश चलेगी, सावन में बारिश चलती रहेगी, तो इसमें छाते दबा के बिकेंगे। तो छाते रख लिए, और जैसे धूप होती थी तो उसमें मैं चश्मा रख लेता था, ये चश्मे रखे हैं धूप में, देखो धूप के लिए,
तो ऐसा ही चीज़ें मैंने रखी है, तो मेरा कुछ ना बिकता रहेगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। देखो स्टेशनरी तो ऐसा नहीं बिल्कुल बंद हो जाएगी, हल्की फुल्की चलती रही, लेकिन उसके अलावा जो मैंने सामान ऐड कर रखा है वो चलेगा। अब ऐसे में ना तो कॉपियाँ कम बिकेंगी, फिलहाल बच्चे छुट्टी भी कर लेते हैं, ट्यूशन की भी छुट्टी कर लेते हैं, बारिश पूरे दिन होती रहेगी, ना कोई खेल खिलौने बिकेंगे, ना कोई वो बिकेगा आपको फुटबॉल वगैरह बैडमिंटन, ये चीज़ें छुट्टियों में चलती है। लेकिन जो सीज़न करने का मतलब है, अब सीज़न बारिश का चल रहा है ना, तो अब छाते भर लो अपनी दुकान पर, और सबसे ज़्यादा छाता ये बिकता है जो मैं आपको कह रहा हूँ, डबल फोल्ड वाला ये छाता आता है, ये वाला सबसे ज़्यादा ये बिकता है। इसको ले आओ, पूरी पेटी उठा के ले आओ, ये 110 रुपये के हिसाब से आता है। फिलहाल बारिश में इसका रेट महंगा हो जाता है, वैसे रेट इसका आउट सीज़न 110 रुपये पड़ता है लोकल, तो दिल्ली में कम होगा तो। और एक बुजुर्ग वाला छाता और एक बच्चे वाला छाता चलता है, ये वाला आता है 85 से 90 रुपये, ये वाला। ये छोटे बच्चे जो LKG UKG के लिए स्कूल वाले उन्हें अलाउ करते हैं कि छाता लेके आओ बारिश के दिनों में, ये सिटी लगी होती है तो ये छाता चलता है उसमें। मेरे कहने का मतलब है, जैसे अब छाते जब नवरात्रे आएंगे, सावन खत्म होने के बाद राखी आ गई, जैसे राखी होगी तो राखी पे राखी लगाता हूँ मैं, आपके 3-4 हज़ार की अच्छी राखी आ जाएंगी, राखी लगा लो। उसमें क्या है, एक चीज़ मंदी है ना, लेकिन सीजन में जो चीज़ आप लगाओगे उसकी इनकम तो बढ़ेगी आपको। राखी में अच्छी कमाई है, 30-40 वो 60-70% की, 50% की मेरे से मेरी कमाई है राखी के बाद। फिर नवरात्र आते हैं, नवरात्र का सामान लगा लो। फिर जब कंचकी आती है ना माता पूजते हम, तो उससे 3 दिन पहले बाहर सामान लग जाता है, प्लास्टिक का जो बाउल होते हैं या प्लेटें होती हैं या सेट होते हैं, लोग कंचकों को देते हैं लड़कियों को, तो वो बहुत बिकती हैं। ऐसे ही चीज़ें ना, मैं क्या करता था, मैं राखी लगाता हूँ बाहर। अब मैं अकेला पड़ गया, मेरा पहले दोस्त बैठता, मैं अकेला हूँ तो मैं नहीं लगाता, नहीं लगाऊंगा कहने मतलब। पिछली बार लगाई थी मैंने तो अच्छी सेल हुई थी, दिवाली पर मैंने लड़ियाँ भी लगाई थी, दिवाली का सामान भी लगाया था। इन चीज़ों ना बड़ी इनकम है। सीज़न अगर आप लगाते रहोगे ना, उसमें क्या फ़ायदा होता है, जैसे आपकी दुकान पे कोई बंदा छाता लेने आया, उसे देखा जाए स्टेशनरी की दुकान है, इन्होंने स्टेशनरी का सामान भी रखा हुआ है, तो बंदा जब छाता लेने आएगा ना, वो छाता देख के और भी सामान देखेगा, उसे यहीं डिस्प्ले हो जाएगा सामान, क्या भैया आपने स्टेशनरी का सामान भी रखा हुआ। आज मेरी दुकान पर जितने भी कस्टमर आए ना, मुझे ये फ़ायदा हुआ, वो कस्टमर जो है बंद गए, उन्होंने कहा भैया आपने स्टेशनरी का सामान भी रखा हुआ है, ये तो बहुत बढ़िया दुकान है, आपने छाते भी रखे हैं, स्कूल बैग पानी की बोतल सब आपकी दुकान पे है। तो ऐसे में क्या स्कूल आपकी दुकान का ऐड भी हो जाता है, क्योंकि छाते हर जगह तो मिलते नहीं, आपको पता मार्केट में मिलते हैं, तो अगर आप छाते रख लोगे ना तो ऐसे में बहुत चलते हैं, 12 महीने चलने वाली चीज़ है। सर्दी में भी बारिश होती है तब भी छाते बिकते हैं, गर्मी में जब सामान लग जाएगा 1-1.5 महीने का तो छाते बहुत बिकेंगे आपके, धूप है तो छाते बहुत बिकेंगे, तो चाहिए तो 12 महीने बिकने वाली चीज़ है, जबकि इस सीज़न में थोड़ी ज़्यादा बिकेगी। तो सीज़न लगाओ, हर कोई भी राखी है राखी लगाओ, दिवाली है तो दिवाली का सामान लगाओ, और स्टेशनरी भी आपकी ऐड भी होगा दुकान का। अगर राखी कोई लेने आया तो वो आपकी दुकान देखेगा, दुकान से सामान लेना है तो वो राखी लेगा, एक के साथ एक काम चलता है। तो ऐसे मैंने सारा सामान ना भर भर के अपनी दुकान पे ना कुछ ना कुछ रखा रहता हूँ। देखो काफ़ी सामान मैंने अपनी दुकान पे रखा है, राखी का भी ऐसा आप कहोगे राखी झूठ बोल रहे हैं, राखी के डिब्बे पड़े हैं, देखो ये बच्चों के बनाने वाले भी, इसमें और भी पड़ी थी अपनी राखियाँ, बतेरी चीज़ें मैं बेचता हूँ। तो ऐसा करने का मतलब है खाली स्टेशनरी के साथ और सामान ऐसा ऐसा ऐड कर लो, मैं पेंसिल सेल घड़ी के सेल ये सब रखता हूँ, ये सब चीज़ बिकती है आपको। और आपको पता है जब सीजन शादियों का आता है कि लोग शादियों पे जाते हैं, उन्हें एनवलप भी चाहिए, तो एनवलप तो 12 महीने अपनी दुकान पे रखो, मैंने भी डिब्बा रखा है सिक्के वाला बिना सिक्के वाला। फिर वो गिफ्ट भी मांगते हैं भैया शादी के लिए गिफ्ट चाहिए, शादी के लिए ज़्यादातर कोलाज चलता है लगभग, या तो फोट सिंधिया चलती हैं और या कोलाज चलता है ये ज़्यादा। तो शादी के टाइम पे ऐसे थोड़े बहुत गिफ्ट उठा के ले आओ, मतलब सीजन बाय सीजन चीज लाओ। अब आप ऐसा तो है नहीं कि अब जैसे शादी का है नहीं आप उठा के गिफ्ट उठा के ले आओगे, अगर आप सीजन बाय सीजन सामान लगाओगे ना उसमें आपके पैसे निकल जाएंगे, जो सामान बच जाएगा वो अगली बार काम आ जाएगा, बाकी पैसे भी आपके खड़े हो जाएंगे। क्योंकि हल्के हल्के सामान लाते रहो और बढ़ाते रहो, वो चीज़ सबसे बढ़िया है, क्योंकि एक चीज़ से कभी काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों मैंने आपको अपनी दुकान दिखाता रहता हूँ कि उसमें क्या मैं चेंज करता हूँ, क्या सामान लाता हूँ क्या नहीं लाता। तो मैंने ये दिखा दिया कि अब फिलहाल मैंने छाते भर दिए हैं और अभी बारिश चलेगी काफ़ी दिन, छाते भरो कमाओ, ये काम तो चलता रहेगा अपना, साइड में ये काम कर लो, जब बारिश बंद हो जाए तो बंद कर दो छाते, जो 1-2 बज जाएंगे अगली बार काम आएंगे। तो ऐसे ऐसी चीज़ें ला के रखो और सीजन बाय सीजन काम करते रहो, आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, मंदा नहीं रहेगा आपका काम, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, कस्टमर भी बढ़ेगा, एक चीज़ के साथ कस्टमर ऐड होता है दूसरी चीज़ के लिए। अगर वो आज छाता लेके जा रहा है ना, उसे पता लग जाएगा दुकान पर और चीज़ें है, कल को और चीज़ें लेके जाएगा, फिर वो और चीज़ें आप बढ़ाओगे तो और चीज़ें, ऐसे दुकान को क्या बूस्ट होती है दुकान, बूस्ट करने मतलब और चलती है, बढ़ता है काम, मंदा बंदा कम रहेगा उसका दुकान में, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा निकलता रहेगा, क्योंकि हर दुकान के एक्स्ट्रा खर्चे बहुत हैं, आपको दुकान के किराए निकालने हैं, किराए की नहीं अगर आपकी अपनी भी है तो, और बहुत खर्चे लाइफ में चलते हैं इंसान के जो खर्चे पूरे नहीं हो पाते। तो ऐसे ही चीज़ें अगर आप रखते रहोगे आपके खर्चे पूरे होते रहेंगे, काम भी अच्छा चलता रहेगा। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल में बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।